दोस्तों, हर वो आंखें जो क्रिकेट खेलने का ख्वाब देखती हैं, उन आंखों में अपने देश की जर्सी में क्रिकेट खेलने का सपना होता है। लेकिन ये सौभाग्य हर खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होता। एक इंटरव्यू के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि क्रिकेटर बनने के लिए एक तपस्वी बनना पड़ता है। धैर्य, सब्र और दृढ़ता बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज हम नारा टीवी के इस एपिसोड में एक ऐसे ही महान खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने जूनियर क्रिकेट तो अपने देश के लिए खेला मगर सीनियर क्रिकेट खेलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मन में ठानी थी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की, जिसके लिए उसे दर दर भटकना पड़ा। खराब मौसम में सेल्समैन की नौकरी तक करनी पड़ी और बीवी के प्यार में उन्होंने अपना देश तो छोड़ा ही, साथ ही दक्षिण अफ्रीका से खेलकर स्पिनरों का अकाल भी खत्म किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के महान लेग स्पिनर इमरान ताहिर की, जिन्होंने अपनी करिश्माई गेंदबाजी से जितना बल्लेबाजों को चकमा दिया, उससे कहीं अधिक अपनी सेलिब्रेशन से फैंस का मनोरंजन भी किया। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इमरान ताहिर का जन्म 27 मार्च 1979 को लाहौर में हुआ था। ताहिर का बचपन से ही क्रिकेट से काफी लगाव था। वे घंटों गली क्रिकेट खेला करते, लेकिन उस वक्त वे क्रिकेट को करियर के तौर पर नहीं देख रहे थे। कारण था उनकी खराब आर्थिक स्थिति, जिसके चलते उन्होंने कभी भी क्रिकेट का कोई सामान लेने की जिद तक नहीं की। वो अपना आदर्श पाकिस्तान के लेग स्पिनर अब्दुल कादिर को मानते हैं, लेकिन छोटी उम्र में उनके सर से पिता का साया उठ गया, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था और ना ही आर्थिक स्थिति अच्छी थी। घर के सबसे बड़े बेटे होने के नाते अब सारी जिम्मेदारी ताहिर के कंधों पर थी और मात्र 16 साल की उम्र में ताहिर को लाहौर के एक मॉल में सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ी, जहाँ उन्हें मात्र 2500 रुपए महीने मिला करते थे। अब उन्हें एक चीज तो साफ हो गई कि इस काम से उनकी गरीबी तो दूर नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कुछ बड़ा करने का सोचा और दोस्तों के कहने पर क्रिकेट में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। टैलेंट तो इस नायाब हीरे में शुरू से ही था, जरूरत थी सिर्फ उसे तराशने की। अपने स्पिन गेंदबाजी में धार लाने के लिए घंटों अभ्यास किया करते और धीरे धीरे उनकी गेंदबाजी में वो धार और निखार आया। कठिन परिश्रम का फल उन्हें उस वक्त मिला जब 1998 में होने वाले अंडर-19 विश्व कप के लिए ताहिर का चयन पाकिस्तान टीम में हुआ और अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी से सबकी वाहवाही लूटने के बाद ताहिर को पाकिस्तान ए टीम में भी मौके मिलने शुरू हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये टैलेंट केवल घरेलू स्तर तक ही फंसा रहा और पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक स्पिनर होने के कारण ताहिर को सीनियर टीम में मौके नहीं मिले। दोस्तों, ऐसा काफी कम देखने को मिलता है जब जूनियर लेवल पर क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद सीनियर टीम में खेलने को ना मिले, लेकिन ताहिर का करियर मानो फ्रीज हो गया। बढ़ती उम्र और कुछ वर्ष के इंतजार के बाद आखिरकार ताहिर ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला बना लिया। हालांकि कुछ समय उन्होंने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ खास स्कोप न होने के कारण 26 साल की उम्र में 2005 में वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। खैर, इसका एक और कारण बीबी का प्यार भी है। इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है। जब ताहिर पाकिस्तान के लिए जूनियर लेवल पर खेला करते थे, तब वे दक्षिण अफ्रीका दौरा करने गए, जहां उन्हें भारतीय मूल की मॉडल सुमैया दिलदार से प्यार हो गया और अब दक्षिण अफ्रीका आकर उनसे शादी कर 2005 में उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली। इसी दौरान ताहिर ने कई टीमों से क्रिकेट खेला। अफ्रीका में शुरुआत उन्होंने घरेलू क्रिकेट में टाइटंस की ओर से खेलते हुए की, लेकिन ताहिर की मंजिल और आगे थी। अब दक्षिण अफ्रीका से खेलने के लिए कम से कम 4 वर्ष की नागरिकता की जरूरत थी। 2009 में आकर ताहिर ने यह समय काल पूर्ण किया। 30 वर्षीय ताहिर को भले ही अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी दृढ़ता गजब की थी। वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने को बेताब थे और अपना करियर बनाने के लिए सैकड़ों पापड़ बेल चुके ताहिर की गेंदबाजी की सबसे खास बात है उनकी गुगली। इसे पढ़ने में काफी बल्लेबाजों को तकलीफ हुई। एक तरफ क्वालिटी स्पिनर ताहिर, जो घरेलू क्रिकेट में लगातार बढ़िया प्रदर्शन करते जा रहे थे, तो दूसरी तरफ चयनकर्ता, जिनकी नजरें हमेशा उन पर थी, दक्षिण अफ्रीका की टीम में उन्हें जल्द से जल्द शामिल करने को बेताब थे। कारण था क्वालिटी स्पिनर का जो काफी समय से उन्हें खाए जा रहा था। शॉन पोलाक, मैका एंटनी, लांस क्लूजनर, डोनाल्ड जैसे महान तेज गेंदबाज तो बहुत आए, लेकिन दरकार थी एक ऐसे स्पिनर की जो अपने दम पर मैच पलटते, और वो आकर अब उन्हें ताहिर के रूप में मिला। 2010 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए उनका चयन तो हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये चयन कमेटी की एक भूल थी। ताहिर तो जनवरी 2011 तक खेल ही नहीं सकते। आखिरकार ये इंतजार खत्म हुआ और तुरंत 2011 में ताहिर का चयन भारत के खिलाफ श्रृंखला में हुआ। हालांकि वे खेले तो एक भी मैच नहीं। कप्तान ग्रैम स्मिथ का यह कहना था कि वे ताहिर का टैलेंट विश्व कप तक फ्रेश रखना चाहते थे और ताहिर को 32 साल की उम्र में इतनी जद्दोजहद के बाद 2011 विश्व कप में अपना पहला मुकाबला खेलने का मौका मिला। इतनी ज्यादा उम्र में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में वो भी शुमार हो गए। अपने पहले मैच में वेस्टइंडीज के 4 विकेट झटक कर वे रातोंरात स्टार बन गए। ताहिर ने टूर्नामेंट में 5 मैचों में 14 विकेट लिए। दक्षिण अफ्रीका को भी आखिरकार एक मैच विनर मिल ही गया।
उसी साल नवंबर में उन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया। हालांकि टेस्ट टीम में उन्हें इतने मौके नहीं मिले, उनका टीम से अंदर बाहर होना चलता रहा, लेकिन ओडीआई और टी20 में ताहिर का जलवा बरकरार रहा। 2013 में टेस्ट में वापसी कर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला फाइवर ले डाला। उनका शानदार फॉर्म 2014 टी20 विश्व कप में भी जारी रहा, जहां उन्होंने सर्वाधिक 12 विकेट लिए। इसी वर्ष उन्होंने आईपीएल में भी पदार्पण किया और दिल्ली की टीम से खेले। यही 2015 विश्व कप में भी दक्षिण अफ्रीका के पहली बार नॉकआउट जीतने में ताहिर का अहम योगदान रहा, जो क्वार्टर फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच रहे। इतने वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद अब ताहिर को सब मिल रहा था जिसके वे हकदार थे। दुनिया भर में उनका कमाल का प्रदर्शन सबको अपना मुरीद बनाए हुए था। इस दौरान उन्होंने अनेकों रिकॉर्ड अपने नाम किए। 2016 में वे एक ओडीआई में 7 विकेट लेने वाले पहले अफ्रीकी खिलाड़ी भी बने। यही नहीं, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे कम 58 मुकाबलों में 100 ओडीआई विकेट चटकाए। वहीं 2017 में उन्होंने टी20 में सबसे तेज 50 विकेट पूरे किए। ये ताहिर के करियर का वो सुनहरा समय था जब वे अपने पीक पर थे। वे टी20 और एक दिवसीय रैंकिंग में शीर्ष पर भी काबिज हुए। इस सब के अलावा ताहिर अपनी अटपटी सेलिब्रेशन के लिए भी जाने जाते हैं, जो विकेट लेते ही पूरे ग्राउंड के दौड़ते हुए चक्कर लगाते हैं, जो काफी अलग, उत्साही और हास्यास्पद भी है। 2018 में ताहिर एक दिवसीय क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले मात्र चौथे अफ्रीकी खिलाड़ी बने। इसी वर्ष वे आईपीएल में सीएसके टीम के साथ जुड़े और सीजन में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप भी जीते। 2019 में ताहिर दक्षिण अफ्रीका के लिए 100 ओडीआई विकेट लेने वाले भी इकलौते स्पिनर बने। उन्होंने विश्व कप के बाद ओडीआई से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ताहिर ने विश्व कप का पहला ओवर भी डाला और ऐसा कारनामा करने वाले विश्व के पहले स्पिनर भी बने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना अंतिम मुकाबला खेल उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। हालांकि वे टी20 में चयन के लिए भी उपलब्ध हैं, लेकिन उन्हें उस विश्व कप के बाद एक भी मौका नहीं मिला। ताहिर ने 2021 टी20 विश्व कप खेलने के लिए अपनी उपलब्धता तो स्पष्ट की ही, लेकिन टीम में नाम न आने से वे काफी निराश हुए। ताहिर दक्षिण अफ्रीका के सबसे सफल स्पिनर हैं, लेकिन अपनी जन्मभूमि पाकिस्तान से क्रिकेट न खेल पाने का मलाल उन्हें आज भी है। उन्होंने 20 टेस्ट, 107 एक दिवसीय और 38 टी20 मुकाबलों में क्रमशः 57, 173 और 63 विकेट लिए हैं। वहीं प्रथम श्रेणी मुकाबलों में ताहिर के नाम 194 मुकाबलों में 784 विकेट हैं, जो कि इस दिग्गज के लंबे करियर को बयां करते हैं। वे 43 उम्र में भी बिल्कुल हिट और फिट हैं। उनमें आज भी 23 साल के युवा जैसा जोश है। ताहिर के नाम सबसे अधिक 27 टीमों से खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है, जो कि इस महान जुझारू गेंदबाज के संघर्ष का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थी कहानी विश्व के सबसे महान जुझारू और फुर्तीले स्पिनरों में शुमार इमरान ताहिर की। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।